वो तो कह सकते हम सब क्यू द लेजेंडरी प्रोटेक्टर और मैं आज अपना शेयर करने लायक नया वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। एंड अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने एक्चुअली में ऑफ कैमरा किया क्या। तो देखो ऑफ कैमरा मैं गया था नीचे ज़मीन के अंदर, ज़मीन की गहराइयों में पता लोग तक, इनर कोर तक, पता नहीं कहाँ कौन से कोर तक। और वहाँ जाके मुझे मिला काफ़ी सारा सामान जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा। देखो मैं डायमंड्स ढूंढने गया था, तो फिर ऑफकोर्स डायमंड्स तो खैर मिले हैं, कॉबल डीप स्लेट काफ़ी सारे मिल गए, कॉबल स्टोन भी मिल गए, थोड़ा गोल्ड भी मिला, आयरन भी मिला, कॉपर भी मिला, लापिस लजूली भी मिली, रेड स्टोन भी मिला एंड थोड़ा कोल भी मिल गया। लेकिन भाई काफ़ी सारे कोल की तो मैंने टॉर्चेस ही बना ली और नीचे लगा दी थी टनल्स के अंदर। उसके बाद खेती बाड़ी, आज मुझे काफ़ी खेती बाड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि ऑफकोर्स बिल्डिंग करवानी है। एंड यहाँ पर मैंने फालतू का सामान रख दिया, मतलब यार एक और चेस्ट बनानी पड़ गई, इतना सारा सामान हो गया मेरे पास। यहाँ पे तो अपनी आर्मरी है ही एंड नेदर का कुछ सामान लाया नहीं हूँ। एंड देखो मैं नीचे से 5 डायमंड लेकर आया हूँ भाई, 5 डायमंड मतलब लाइक लिटरली 15-20 मिनट में मैं बस 5 डायमंड निकल पाया, जो तुम देख रहे हो सैड लाइफ। तो आज मेरा प्लान कुछ यूँ है कि आज मुझे इन विलेजर लोगों की ब्रीडिंग करवानी है। अब एक बार इनकी जो है ब्रीडिंग, ओ वेट व्हाट, ऑलरेडी एक लाइब्रेरियन भर भी चुका है, लाइक सीरियसली 31 एमरल्ड के बदले नॉकबैक 2, ब्रो दैट्स एपिक एक्चुअली, मतलब सही है यार, ये तो ऑलरेडी लाइब्रेरियन बन चुका है। इसका ये वाला बेड तोड़ देता हूँ ताकि वो अंदर वाले बेड में जाकर सोएगा। ओके तो आज इन लोगों की मुझे ब्रीडिंग करवानी होगी, बिकॉज वाई नॉट, पॉपुलेशन भी बढ़ानी है मुझे, तभी तो बहुत सारे लोग आएंगे। एंड मैंने अभी प्रोफेशन के बारे में इतना कुछ खास सोचा नहीं है, बट देखते हैं आगे चल के बन ही जाएंगे प्रोफेशंस। तो अगर तुम मेरे चैनल पर और तुम्हें ऐसे ही माइनक्राफ्ट रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल को अभी के बजा के सब्सक्राइब करो, बगल वाला बेल आइकन दबाओ ताकि मेरे जो भी कहने वीडियो को तुम पहले देख पाओ। इस वीडियो पे बहुत बड़ा वाला थम्स करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो। अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन किया तो डू जॉइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर, लिंक है टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। ओके तो अब मुझे देखने दो मैंने क्या देखा था यूट्यूब ट्यूटोरियल में। सबसे पहले मुझे चाय बनानी पड़ेंगी, वो क्या कहते हैं, यस बोर्ड्स, 2 बोर्ड बना लो। एंड अब मुझे चाहिए खाना, तो देखो खाना मुझे बहुत सारा लगेगा अभी क्योंकि भाई ब्रीडिंग करवाने जा रहे हैं एंड इट एक्चुअली गोइंग टू टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम। तो बोट आ चुकी हैं, खाना आ चुका है, बेड वहाँ पे लगे पड़े हैं, तो चलो विलेजर्स की किडनैपिंग करके लाते हैं एंड मुझे खुद भी खाना चाहिए। वेयर इज माई ब्रेड, अरे ब्रेड की क्या ज़रूरत है, स्टीक है अपने पास, खा लो। ओके अब मैं अपने टूल्स भी ले लेता हूँ, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो एंड और किसी चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है आई गेस, होपफुली नॉट। अरे मेरी इंचेंटेड वाली शोवल कहाँ गई, व्हाट एक्सक्यूज मी, अच्छा मैंने उस वहाँ के चेस्ट में रख दी होगी, नेवर माइंड नेवर माइंड, वो वाली शवल कहीं गुम हो गई भाई, मैं मतलब क्या ही कर दूंगा मैं। देखा मैंने कहा था वो लाइब्रेरियन का बेड जैसे टूटेगा वो अपने सबसे करीबी बेड के पास जाएगा, देख रहे हो प्रो गेमर स्किल्स। अब इसने यहाँ पे किसी बेड को अपना ठिकाना बना दिया है एंड मैं सोच रहा था क्या कहते हैं वो शीशा लगा दूंगा, नहीं लगाया मैंने, आई नो इट वेरी वेल। अब सारे के सारे विलेजर्स लेदर वर्क कर रहे हैं, तू हाँ रुक बैठ जा, नाइस एक्चुअली, बाहर निकल बाहर निकल, मैं क्या कह रहा हूँ बाहर निकल, ये ऐसे नहीं मानेगा, यहीं से तोड़ के जाना पड़ेगा भाई, मत कर, मैं इसके चौंटे मार दूंगा, सही बता रहा हूँ मैं। ओ चाचा इधर आओ, इधर इधर इधर, बस स्पीड में कल तक तो पहुंच ही जाएंगे आई गेस। अरे 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 अरे
वेरी वेरी नाइस, पहुंच गए। इसकी ऐसी की तैसी यार। सेकंड, नीचे से ये क्या घटिया घास बिछा रखी है यार। एक सेकंड रुको। वाओ रुक जा रुक जा रुक जा रुक, किधर भाग रहा है ये? भाई तेरे को अभी ऊपर से लेकर आया हूँ मैं। ओह शिट, इसे क्या हो गया? बैठ जा, क्या बोल रहा हूँ, बैठ। पे यार इधर आ, पीछे हो जाओ सबसे पहले यार। यार मैं क्या करूं इस घास का, मुझे समझ नहीं आ रहा। शवल लेकर आओ सबसे पहले यार तुम। और लाइब्रेरियन तो तुम भी शवल दो। ये रही सबसे पहले जो इस टाइप की घास है ना, मैं ऐसे हटाऊंगा यार। भाई किसने ऐसी ग्रास कर दी है? आई होप वी आर गुड टू गो। बस अब मैं कोई फालतू की चीज़ यहाँ देख ना लूँ। एकदम सिंपल डिसेंट ग्रास रखो, ठीक है? वैसे वो टेक्सचर मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगता। आई होप वी आर गुड टू गो नाउ। दे यार इसकी यहाँ की ग्रास भी अब हटानी पड़ेगी। आ आ आ जल्दी जल्दी जल्दी, इधर इधर, कहाँ जा रहा है? पर नीचे उतर। बैट, नाइस। इधर इधर इधर, आहिस्ता आहिस्ता चलते रहो। बे 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 बे, आराम से आराम से आराम से, इन्हें तोड़ना पड़े। अभी दरवाजे बाद में लगाऊंगा मैं। अच्छा, बोर्ड पे बैठने से स्पीड कम हो जाती है। सबसे पहले तो मुझे ग्लास लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि फिर ये भाग जाएंगे। इनके लिए बाउंड्री ऐसे खुली छोड़ रखी है मैंने। A few moments later. किधर हैं ग्लव्स? ये लो। और अब मुझे क्या चाहिए? मुझे थोड़े प्लैंक्स भी लगेंगे। प्लैंक्स नहीं है मेरे पास, राइट? यप, नहीं है मेरे पास। मुबारक। सबसे पहले तो सीढ़ियाँ ले लो, डर्ट भी ले लो।
ओके आई गेस वी आर गुड टू गो नाउ। रात और ये पहले रात से दिन कर देते हैं। ओके सबसे पहले मुझे उधर के सारे बेड्स और वहाँ के सारे ग्राइंड स्टोन तोड़ के आने पड़ेंगे ताकि इनका प्रोफेशन चला जाए। देखो एक घर तो ये रहा जिसकी मैंने पूरी हालत ख़राब कर रखी है, एंड उसके बाद हर घर को चेक करना पड़ेगा मुझे कि कहाँ कहाँ ग्राइंड स्टोन लगा है। देखो हर जगह से बेड तोड़ता हूँ मैं सबसे पहले। जब इनके पास सोने के लिए कोई जगह होगी नहीं तो इन्हें अल्टीमेटली वहीं आकर सोना पड़ेगा। देख रहे हो प्रो गेमर मूव। स्टोन कटर से भी कोई प्रोफेशन होता है क्या? आई डोंट नो। यहाँ से भी टूट गए हैं। एक और बलि का बकरा मिल गया। सारे के सारे ग्राइंड स्टोन किधर हैं? आई मीन आई डोंट थिंक कि ग्राइंड स्टोन से ही इस घर में कोई वो नहीं है, ना कोई बेड है, तो मतलब ये मेन घर होगा शायद इनका। यप सी ये वाला बेड भी टूट गया। यार ये क्या लगा रखा तुम लोगों ने? सारे घर तो मैंने छान मार लिए। क्या क्या चल रहा है भाई इधर? ओके तो सबसे पहले एक रैंडम विलेजर को उठाओ, नीचे उतर। पर यार बैठ इधर जल्दी बैठ। तू बैठ रहा है या फिर तेरे सर पे दे के मारू मैं? बैठ भाई, क्या एटीट्यूड है बंदे में। यार पहले ये वाली घास हटाओ यार, बहुत अनोइंग है ये वाली घास। A little longer than a few minutes later. मुझे एक सिंपल स्ट्रेट पाथ बनाना पड़ेगा उधर तक के लिए ताकि जाने में कोई दिक्कत ना हो। आई गेस दैट्स व्हाई मैं इतनी सारी डर्ट लेकर आया हूँ, राइट? Many months later. यस, सारे रिस्क की गुंजाइश ख़त्म कर दी मैंने। लेट्स डू दिस। तो मैं रखूँगा ऐसे यहाँ पर। अब कहाँ है सारे विलेजर्स? तू भी, इसकी भी जॉब चली गई भाई, वाह। चल ए यार क्या लगा रखा है इन लोगों ने। अबे ये इसकी तो घर की चौखट पर ये बकवास वाली घास है यार। मैं ना ऐसे सुनो, मैं ऐसे अभी ठीक करके आ रहा हूँ, ठीक है? नहीं कहाँ गई वेरी यार मेरी। ये रही एक शवल। 11 ब्रो यू सीरियस फॉर रियल? बे यार इससे बढ़िया मैं ऐसे आयरन ना दे दूँ। आयरन मैं स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ, ये बेटर रहेगा। चलो थोड़ी तो जाना ही है इसमें। अब एक सेकंड दोबारा रात से दिन करो। ओह यस ओके लेट्स गो नाउ। नहीं रुको, सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्लासेस लगा देता हूँ, ये भाग कर नहीं जाएंगे। बेटा मैं तुम्हें कोई फरार होने नहीं दूंगा। सही लग रहा है ना? बहुत आहिस्ता आहिस्ता लगाएंगे, एक ग्लास को बनाना मजाक की बात नहीं है। नाइस, दो ग्लासेस बच गए हैं, इसे संभाल कर रखो। मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म कर रहा हूँ।
ओके अब ये देखो कहाँ आवारा की तरफ घूमता है। वही तरह अब ये ले बैठ इधर भाई, रख जा भाई इधर इधर इधर। यस फाइनली बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, कोई टेंशन की बात नहीं है, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। अब मैं देख लूँ, यस डेफिनेटली अंडर कंट्रोल। तो क्या तैयार है अब रोलर कोस्टर के लिए? लेट्स गो। ओ शिट ये तो मैंने सोचा ही नहीं, हद है यार। अब ऐसे ऊपर कैसे ले जाऊं? मैंने सुना पिस्टन नाम की भी चीज होती है, नहीं पिस्टन यार फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा आई गेस। ये तो मेरे कैलकुलेशन में था ही नहीं। अरे इनकी ब्रीडिंग करवाना कितना हलवा काम है यार, सीरियसली किसी काम के लिए तुम कितने ही डेडिकेटेड हो सकते हो यार, खुद सोच के देखो। पहले इनके लिए ये ब्रीडिंग हॉल बनाना कम मुश्किल था, इन ब्रीडिंग हॉल नहीं ये टाउन हॉल। तू जब ऊँ आ ना कर यहीं पे तेरा बता दूंगा मैं भी कुल्हाड़ी। किधर गया? ओ ये सही है यार। भाई बिना ब्रीडिंग करवाई है सब। वेट मेरे हिसाब से ब्रीडिंग अनएम्प्लॉयड लोग करते हैं, राइट? ये माइनक्राफ्ट को लॉजिक कहता है। ब्रीडिंग वो विलेजर्स करते हैं जिनके पास कोई प्रोफेशन नहीं होता, यानी कि अगर मुझे इनकी ब्रीडिंग करवानी तो मुझे लेक्टन हटाने पड़ेंगे। आ यार क्या झंझट है, हद है। और तू किसके इंतजार में रुका है? चल तू भी। यार हटाओ इसे। ओके मेरी कैलकुलेशंस परफेक्ट हैं, आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ। तो मुझे बताइए जनाब, क्या आप रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार हैं? एंड 3 2 यूहू, ओ पहुंच गए। ऐसे यहाँ ले जाना ठीक नहीं होगा, यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है। भाई तुम किताबें पढ़ रहे हो क्या? इतनी जल्दी पढ़ाई को शौक चढ़ गया, क्या बात है, सही है फिर तो। देखो मैं इन्हें बेड दे रहा हूँ, यानी कि इनकी भागने की वैसे कोई गुंजाइश नहीं है देखी जाए तो। भाई तू यहीं पे रह, ठीक है मैं तेरे लिए अलग प्रोफेशन ले बनाऊंगा। अब मुझे ढूंढने दो, वहाँ पर वहाँ कोने में भी दो विलेजर्स थे, एक फार्मर और एक अनएम्प्लॉयड। मुझे लग रहा था भाई क्या बन जा रहा था विलेजर, इसमें तो वाकई में काफ़ी विलेजर थे यार। और ये तब विलेजर थे जब मैंने इनकी कोई ब्रीडिंग नहीं करवाई है।
शायद यहाँ के सारे विलेजर्स हो गए हैं। ओ गोलम चचा, तुम कैसे हो रहे हो? यहाँ पर भी देखो देखो, वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 69 के विनर्स। आ रहा हूँ मैं भी तुम्हारी रक्षा करने। तुम लोग पता तुम किधर हो? क्यों? ओबे बे 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 बेटे बेटे बेटे, आई गेस इन्हें पता है ये लोग किधर। कहाँ मर गया? वेल नॉट माई फॉल्ट। किधर गया? ओबे भाई सही में मर गया भाई, लाइक सीरियसली मर गया। इतना डैमेज तो भाई सह लेते हैं हमारे लोग। खैर मुझे क्या, मुझे तो फ्री का कंपोस्टर मिल रहा है, ले लो। एंड फ्री की वीड भी, नाइस। तुम्हारी फसल से ये सही है यार। एक सेकंड रुक जाओ, मैं ऐसा लगा देता हूँ इधर, ठीक है, बाद में आके ले जाऊँगा। ठीक है चाचा, फिर आपके साथ ही तो मर चुके हैं, आपको ही ले चलते हैं ब्रीडिंग के लिए। और क्या, ये कॉम्पोस्टर लेने में वापस आऊँगा। भाई क्या तेज बंदा भाग गया, कहाँ गया होगा भाई? तुम लोग बाहर यही है ना यार, अंदर खुली छूट दे दो ना, कहीं भी आवारा की तरह फिरते रहते हैं। फिर अब ढूंढो वो कहाँ है। ये रहा, आ भाई तू इधर आ, इधर आ, इधर चल बैठ इस पे, बैठ ना। ओके उस कहाँ, कौन मर रहा, कौन मर रहा, कौन मर रहा? अभी देखना, रात होता ही सब ऐसे बुलेट ट्रेन की तरह अपने बेड की तरफ भागेंगे, पूछो मत। तो जनाब क्या आप राइड के लिए तैयार हैं? 3 2 लेट्स गो। बहुत शॉर्ट टर्न, बहुत शॉर्ट टर्न, आई लाइक इट। देखो आज से ये तुम्हारा घर है, ठीक है? अच्छा मान लो बारिश की शुरू हो गई यार, ये तो सो भी गए। अच्छा जी चलो ठीक है, अब देखते हैं, मैं अभी सो ही जाता हूँ। अब ओके तो भाई ये किधर जा रहा है? डूड तेरा बेड उस तरफ है, कैसे प्रोफेशन नहीं मिला इसलिए भाग के जा रहा है भाई? ये क्या कर रहा है इधर? पहले भी इधर थी, इधर ही था, अब भी इधर ही है। वापस नीचे को उतर जा, ठीक है? तुझे इतनी मुश्किल से, मैं बोला ना तुझे बढ़िया घर दे रहा हूँ, बढ़िया रोजगार भी दूंगा मैं तुझे। इसका यार ये तोड़ो पहले, इसकी ऐसी की तैसी, तूने थोड़ा तंग कर रखा है। वेट व्हाट ब्रो, ये लेदर वर्कर कैसे बन गया? बैठ जा इधर चुपचाप, ठीक है? ऐसे आयरन गोलम भी उधर ही ऑटोमेटिकली आ जाता है जहाँ पे सारे के सारे विलेजर्स होते हैं। भाई ये
ये क्या चल रहा है ये भाई, व्हाट द हेल मैन। हटना, देख मैं पहले कह रहा हूँ, एक सेकेंड, इससे स्टोन कटर लगा देता हूँ मैं। अगर आई गेस स्टोन कटर से भी कोई प्रोफेशन मिलता होगा, राइट और नॉट भैया? तुम्हें रोजगारी तो चाहिए। चल ये फिर जा रहा भाग के, नहीं रुक जा रुक जा। यार इसकी प्रॉब्लम क्या है भाई? तेरे को मैं रोजगार दे रहा हूँ ऐसे ना भाई, वीडियो से बांधना पड़ेगा मुझे। और अभी तक आधा वीडियो तो बस इनमें लाने में हो गया, अभी इनकी ब्रीडिंग भी करवानी है। इसके लिए मैं एक स्पेशल जेल बना लेता हूँ। ये एक ब्लॉक की ऊंचाई से कूद जाता है ना, मैं ऐसा कूद नहीं दूंगा। बेटा तुम किधर जा रहे हो? तुम भी इधर ही आओगे। अरे क्या यार, क्या बकलोली है। एक तो इधर आओ, एक सेकेंड बोलता है। ठीक है, बैठा दिया सब, वेरी नाइस। अब तू क्यों बैठ रहा है? क्या मैं लिटरली बोला था इनकी ब्रीडिंग करवाते करवाते। मुझे बस एक एक लाइब्रेरियन चाहिए, एक लाइब्रेरियन चाहिए प्लीज, एक लाइब्रेरियन दे दो मुझे। तू जा, तू जाएगा। अबे उसे भी प्राइ कंपनी चाहिए, नहीं चाहिए, बैठ जाओ बस। अब तिहाड़ जेल बनाओ इनके लिए। तू किधर आ रहा है? उसको मैं अभी जॉबलेस बनाऊंगा। सबसे पहले इनकी ब्रीडिंग करवाऊंगा मैं। हट ना तू, इस हाइट से ये कूद नहीं सकते, राइट? ओके तो अब मुझे देखने दो। सबसे पहले मुझे इसका लेफ्टिनेंट तोड़ना पड़ेगा, जो इस वाले का लेफ्टिनेंट था, यू नो, जस्ट टू मेक हिम जॉबलेस। अब ये वाला जॉबलेस हो गया। ये वाला भी जॉबलेस हो गया। तेरा कौन सा, ये वाला है? ओ यस, हो गया हो गया हो गया, इट वर्क्ड। तो अब देखते हैं। ओके तुम्हारे पास बेड है, ओके। और ओबे ये क्या है? ओके लीव देम एक्चुअली। नाउ मैं तुम दोनों को जो है वीट देना पसंद करूँगा। इसका प्रोफेशन लेना पड़ेगा मुझे। यू नो, ओके ओके इट्स वर्किंग। लो 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 लो, जितना वीट चाहिए तुम्हें लो, मैं तुम्हें दुनिया भर का वीट दूंगा। तू इधर क्या कर रहा है? तू निकल ना इधर से। अच्छा, प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी, निकलो 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 निकलो, दे नीड प्राइवेसी, दे नीड प्राइवेसी, यू नो समथिंग। अरे अच्छा सॉरी यार, नहीं देख रहा मैं।
अरे यार ये माइनक्राफ्ट में भी ऐसा कांड होता है। लॉल यार, वेट व्हाट, चिंता मत करो, चिंता मत करो, लो 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 जितना लेना है लो, बस मुझे बच्चा करवा के दो तुम, मुझे दादा बनना है। ठीक है, दे हैव बेड्स। अच्छा नहीं देख रहा यार, देख मैं कब तो बहुत कर रहा। ओह यस, इट्स वर्किंग, इट्स हेल वर्किंग भाई। They are actually mating. Oh shit, boy. Oh boy. Boy, mubarak ho. Shit. It worked. Boy, main dada ban gaya. I mean, whatever, but it worked. Oh boy, mission successful. Arre. Na. तुम्हें क्या लगा तुमने मेरा काम करे तो तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी? हरगिज नहीं। और तू इधर क्या कर रहा, तू निकल यहाँ से। ठीक है बेटा, चलो इनकी ब्रीडिंग करवा दी, अब तुम्हारी ब्रीडिंग भी करवानी पड़ेगी। ओके, ऐसे थोड़ा खाना खिला देते हैं। लो लो खाओ 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 और ब्रीडिंग करो। भाई सही है यार ये, लाइक लिटरली नो जोक्स। वो वापस आओ यार। Wait, what? ये भी डैमेज था ना, इसे मैंने रिपेयर नहीं किया। देन हु डिड इट, इसे किसने रिपेयर कर दिया? मैंने तो नहीं किया इसे। स्टीक, वाह मेरे पास स्टीक नहीं है भाई। कंग्रेचुलेशन, मिठाइयाँ बटवाओ। इट एक्चुअली वर्क्ड, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स एक्चुअली में वर्क करते हैं, क्या बात है। हाँ जी तुम लोग चलो, अभी रात होने का वेट करता हूँ मैं। जब रात हो गई तो ऑटोमेटिक, अच्छा या एक बेड इधर लगा हुआ था, से इनमें से ये रुक रहे थे इधर। भाई सही है यार, चलो जी अब मुझे देखने दो। मेरे पास, अरे शर्माओ मत, और लो देखो तुम्हें जितना कैरेट चाहिए, जितना खाना चाहिए तुम्हें खाओ, बस मुझे बच्चा दे दो। ओके, आई जस्ट नीड योर गॉड डैम्स बेबी। ओह यस, बट तू क्या देख रहा है चुटकुले? अच्छा 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 सॉरी यार, अरे यार मैं कितना बेशर्म। अरे शर्म आ रही है उनको, बच्चा सामने उनके। अरे टेंशन की कोई बात नहीं है, खाओ तुम जितना खाना है, मैं तुम्हें खिला खिला के मोटा कर दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। अभी रात हो रही है और रात होते ही देखना सब भाग के आएंगे अभी, और जब ये भाग के आएंगे मैं उसी मौके का फ़ायदा उठाऊंगा। यू नो, इनका भी फायदा मेरा भी फायदा, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। इसका भी ये वाला लेप्टन तोड़ देता हूँ मैं। यस जाओ जाओ, एंड विद दिस आई टेक योर फ्रीडम, आज से तुम सब मेरे गुलाम। सो क्या रहा चाचा, तुम भी ब्रीडिंग करो। देखा देखा कैरेट, एक्चुअली मुझे रिस्क नहीं लेना भाई। बड़ा हो गया एक, आई गेस वो बड़ा हुआ था अभी अभी, नेवर माइंड। ओके चलो सुबह हो चुकी है,
एंड इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। मैं तुम्हें सुबह शाम दिन रात साथ जोते सोते हुए हर टाइम मैं तुम्हें गाजर ही खिलाऊंगा। भाई मैं कितने कितना गाजर दूं? अच्छा तुम्हें भी चाहिए, लो तुम भी अपनी फैमिली स्टार्ट करो यार। सब मुझे ही घूर रहे हैं कि भाई सब तो उधर पहुंच गए। ओबे भाई गुस्सा। अच्छा सॉरी मैं नहीं देख रहा हूं भाई, इट्स वर्किंग। अबे एक सेकंड, वो एक बंदा विद व्हाट? अच्छा तुम्हें भी अपना शेयर चाहिए, वो भी इधर ही आ गया। वो कह रहा है भाई हमारे साथ भी कोई कर लो भीड़। खाओ 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 खाओ, पेट भर के खाओ, पेट भर के खाओ, तुम भी खाओ। तुम इतने में यार आए हाय, इट्स एक्चुअली सक्सेसफुल। तुम करो ब्रीडिंग, तब तक मैं जो हूँ सामान बना के आता हूँ तुम्हारे प्रोफेशन के हिसाब से। A few moments later, स्मिथिंग टेबल के लिए क्या चाहिए? 2 आयरन इंगट और 4 प्लैंक्स। ओके सो 2 आयरन इंगट हैं, प्लैंक्स आई गेस आई डोंट हैव प्लैंक्स राइट। यप, जैसा कि मैंने सोचा था मेरे पास प्लैंक्स नहीं है, वो काम भी करना पड़ेगा लेटर ऑन। बट अभी के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो इट्स अ सक्सेस। आई मीन या मेरे वीडियो का जो मोटिव था वो पूरा हो चुका है। अब मुझे एक्चुअली में पता चल चुका है कि इनकी रिप्रोडक्शन कैसे करवानी है। हाउ द हेल डिड ही गेट इन हियर? अरे तुम मेरी तरफ मत खेलेगा, तुम खाओ पेट भर के खाओ, मैं तुम्हें तब तक खिलाऊंगा जब तक तुम मोटे होकर फटने लाओ। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ ये आयरन गोलम इधर नहीं था। ओके आई कैन से दिस विद डैम श्योरिटी। एक सेकेंड, कहीं ये आयरन गोलम तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं? नहीं, इट कैन बी पॉसिबल भाई, कहीं इनके पास ऐसी सुपर पावर तो नहीं है कि जहाँ होंगे वहाँ आयरन गोलम स्पॉन होते चले जाएंगे? भाई भाई दिस इज एक्चुअली ट्रू। मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने किसी भी आयरन गोलम को रिपेयर नहीं किया है, यानी कि इट इज़ अ फैक्ट। मुझे ये चीज़ लिटरली आज पता चली है कि इनकी प्रेजेंस की वजह से आयरन गोलम स्पॉन होते हैं। भाई ये Why I am literally speechless यार, it works। मैं भी थोड़ा सा खा लूँ यार, इतना पुण्य का काम कर रहा हूँ यार। अरे नहीं, ये इनका खाना रहने दो, ठीक है। करो यार तुम, रुक जाओ। ओके इंटर एक्सचेंज, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं वो लोग। अच्छा नहीं देख रहा मैं, ओके सॉरी यार। ओके आइटम प्लॉप्स, होश, इट वर्क्स। भाई मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है देखकर, लाइक लिटरली। खाओ जी भर के खाओ,
मैं यहाँ तुम्हें ब्रीड करवाना आया हूँ, ठीक है? खाओ यार। इतने अभी प्रोड्यूस तो खैर नहीं हुए, मे बी बिकॉज आई इंटरफियर्ड। ओके सॉरी, मैं बैड में जा रहा हूँ। ओके सो आई कैन से दिस कॉन्फिडेंटली कि आज का वीडियो एक सक्सेस रहा, क्योंकि जो वीडियो का मेन मोटिव था वो पूरा हो चुका है। मुझे इनकी ब्रीडिंग करवानी थी एंड द रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। सो अब बस एक लास्ट काम रह रहा, वो ये है कि इनकी इतनी ब्रीडिंग करवा देनी है कि मैं इन्हें अच्छे खासे प्रोफेशन दे सकूँ। फिर जो मैंने तुम्हें पिछली वाली वीडियो में 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस के बारे में बताया था, अगर मेरे पास उतने विलेजर्स हो जाएँ देन भाई मेरे पास ना काफ़ी हेल्प हो जाएगी। लिटरली कार्टोग्राफर, लाइब्रेरियन और वगैरह वगैरह, इतने सारे सामान हो जाए ना मेरे पास, इतने सारे बंदे हो जाए भाई, मज़ा आ जाएगा। लाइक सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। तो या एक लास्ट वीडियो और इनके ऊपर काम करने के लिए होगी, जिसमें मुझे फाइनली इन्हें जॉब्स देनी पड़ेंगी एंड देन आई गेस हम जो है वर्ल्ड के एक्सप्लोरेशन पे जाएंगे। ये लाल लाल से तारे क्या निकल रहे हैं? आई मीन आई डिडंट गेट इट, बट जो भी है इट डजेंट मैटर। ओके गाइस, तो आज की वीडियो अक्सर तुम लोगों को पसंद है। अगर तुम चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल वाला बेल आइकन दो ताकि मेरे जो भी कहने वीडियो तो कौन सा बेल दो। इस रोड पे बहुत बड़ा होता है, जो तुम मोटिवेशन दिए इस रोड को ज़्यादा शेयर करो। एंड अब तुम लोगों से मिलेगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।